इंदौर में एक इंजीनियरिंग की छात्रा ने खुदकुशी कर ली है। आत्महत्या के कारणों का कुछ पता नहीं चल पाया है। बताया गया है कि घर के फर्नीचर को रिपेयर करने के लिए कारीगर को बुलाया गया था। कारीगर अपने रिपेयरिंग के सामान घर पर रखकर मजदूर को बुलाने के लिए गया। घर में उसकी छोटी बहन थी, लेकिन जब जैसे ही वो नहाकर बाहर निकली तो दीवारों और फर्श पर खून देखकर चौंक गई। उसने देखा कि डॉली का गला कटा हुआ है और वो ठीक से चिल्ला भी नहीं पा रही थी। ऐसी हालत देख जब उसके पिता आए तब तक डॉली दम तोड़ चुकी थी। फिलहाल पुलिस जाँच में जुट गई है। मृतिका डाली पिता ओम प्रकाश जयसवाल, उम्र 24 साल, निवासी शांति फार्म, ग्राम पालदा तेयाई चौक इंदौर। आज करीबन 1 बजे दिन में उसने अपने घर पे बता रहे हैं कि स्वयं ने घर पे फर्नीचर का काम चल रहा था तो स्वयं ने कटर मशीन से गले में मार लिया। उसने बता रहे उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, साल भर से उसका इलाज चल रहा था। घर में दोनों बहनें और उसके पिताजी थे। पिताजी ऐसी का काम करते जो मूसाखेड़ी गए होते घटना के टाइम। दोनों बहनें घर पे थी तथा काम करने वाला मजदूर फर्नीचर का काम करने वाला भी घर पे ही था। पढ़ाई में क्या करती थी? पढ़ाई में उसने बता रहे सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा लिया हुआ था और अभी कोरोना काल की वजह से साल भर से घर पे ही थी वो। किसी प्रकार कोई सुसाइड नोट ऐसा कुछ मिला होगा? नहीं, ऐसा अभी कुछ मिला नहीं है। परिवार के लोगों क्या कहते? परिवार का कहना है कि ये साल भर से डिप्रेशन में थी। पूछताछ में पता चला है कि छात्रा को माइग्रेन था और वो इलाज के लिए परेशान थी। डॉली लॉकडाउन के बाद से प्राइवेट फॉर्म भरकर सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। परिवार में दो बहनें और हैं। 20 साल पहले उसकी मां की मौत के बाद पिता ने ही सारी जिम्मेदारी संभाली थी। 3 साल पहले भाई की भी कैंसर से मौत हो गई थी और कुछ समय पहले माइग्रेन की शिकायत हुई थी। बहरहाल छात्रा के इस कदम से सभी परेशान हैं। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।